सिंगरौली का ट्रामा सेंटर हमेशा विवादों में रहा है। इस बार इलाज कराने आए एक युवक की लाश बाथरूम में मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बैडन जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर एक बार फिर चर्चाओं में है। कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पांडे ने बताया कि बीती रात रीवा निवासी चंद्र कुमार की तबीयत खराब हो गई थी, जो सहकारिता विभाग का चपरासी था। वर्तमान में कलेक्ट्रेट की चौकीदारी कर रहा था। तबीयत खराब होने पर वह अपना इलाज कराने जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था। अस्पताल के कर्मियों ने बताया कि अस्पताल के बाथरूम में युवक गया था, लेकिन वह वहां से नहीं लौटा। सुबह अस्पताल के कर्मचारी ने बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी लाश देखी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। ये कोऑपरेटिव कलेक्ट्रेट में कर्मचारी था, चंद्र कुमार नाम है, मूलतः रीवा जिले का रहने वाला था और ट्रामा सेंटर में इनको भर्ती कराया गया था और उपचार के दौरान ये बाथरूम में गए हुए थे और बाथरूम में नित्य क्रिया के लिए थे और इन्हें बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। उसी समय संभवतः इनकी बाथरूम में गिरने से या अटैक आने से जो भी स्थितियाँ हुई थी उनको मंजूर प्राप्त नहीं हुई थी, इनकी बाथरूम में मौत हो गई थी। पुलिस ने इसमें मर्द पंजीबद्ध किया है, उस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।